स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मेरे मैकेनिक भाइयों, वो जो डिस्क ब्रेक का कैलिपर होता है, ये जो मास्टर सिलेंडर होता है, ये हम लोगों का जाम हो जाता है। और जब नया मेजर किट हम लोग लगाते हैं तो इसमें कंप्रेसर लाने में बहुत ही तकलीफ होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे जो किस तरह से हम लोग कैलिपर को सेटिंग करें और मास्टर पंप को सेटिंग करें और जैसे कि कंप्रेसर लाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सब कम्प्लीट असेंबली करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से हम लोग कंप्रेसर लाए। तो चलिए लेट्स गो। 171 रुपये प्रिंट है और ये ब्रेक अगर फेल हो जाए, जैसे कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, देखो ओरिंग कट चुकी है। अब वाइल लीकेज हो रहा था, वाइल जैसे कि वाइल गिर रहा था और कंप्रेसर ख़राब हो गया है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ये मेजर किट किस तरह से फिट करें और ये जो डब्बा बनाया है, शायद आप लोग देख रहे हैं ये डब्बा किस लिए बनाया है। तो मैकेनिक भाइयों, ये डब्बा बनाने का मेरा मकसद अलग है, आप लोगों को अलग करके दिखाऊँगा। और बाइक में जो कंप्रेसर है डिस्क ब्रेक का, वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा इस डब्बे की मदद से। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह से आप लोग काम करें। तो सबसे पहले आप लोग इसे वॉश कर लीजिए, जितना भी कचरा वगैरह है और इसके अंदर थोड़ा कचरा हो जाता है, तो अच्छी तरह से आप सफाई कर लीजिए। जैसे कि मैंने सफाई कर लिया है, अब इसके अंदर थोड़ा भी कचरा नहीं है और हम लोगों का जो मेजर किट न्यू डालेंगे तो इसमें ब्रेक हम लोगों का फ्री आ जाएगा, जंप नहीं करेगा और डिस्क ब्रेक का जो हम लोग कंप्रेसर है वो अच्छी तरह से काम करेगा। तो मैकेनिक भाइयों, वीडियो में जुड़ा रहिए, फुल वीडियो वॉच करें, तब आपको पता चलेगा और डिस्क ब्रेक क्या होता है, डिस्क ब्रेक के साथ हम लोग जो काम करते हैं तो किस तरह से डिस्क ब्रेक काम करता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो डिस्क ब्रेक है इसमें यार सिस्टम है और हम लोगों का जब तक इसमें यार कम्प्लीट पूरा नहीं हो जाता है तब तक डिस्क नहीं करता है, जैसे कि डिस्क काम नहीं करता है। तो इस वीडियो में बताऊँगा ये जो डब्बा हमने बनाया है इसकी मदद से जल्दी यार किस तरह से हम लोग निकाले। तो ये डब्बा मैंने बनाया है और फटाफट करके 5 मिनट भी नहीं लगेगा और यार आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, हम बाहर में ही फिर से असेंबली करेंगे और ये कंप्रेसर काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इसे शेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हमको लगाना पड़ेगा, ये वैसलिंग है, थोड़ा लगाते हैं क्योंकि ये लुब्रिकेंट करेगा, पेट्रोलियम जली है और थोड़ा इसके अंदर यहाँ दे देता हूँ, बस ये काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ असेंबली कर लेते हैं और कंप्रेसर लाने का सही तरीका आप लोगों को बताऊंगा, जो किस तरह से हम लोग कंप्रेसर लाए। आप लोग सोचते हो कि यहाँ बाहर में ही इसे लगा दिया तो कंप्रेसर कैसे आएगा, लेकिन 100% लगाने का तरीका बिल्कुल यही है। तो दोस्तों यहाँ देखो शेडिंग हो चुकी है, अब हम इसको भी लगा देंगे, ठीक है। हर कोई चीज़ यहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग सोचते हो ये गुरुजी उल्टा लगा रहा है, पहले बाइक में शेडिंग करेगा ना, लगाने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से हम लोग शेडिंग करेंगे और 100% हम लोगों का कंप्रेसर काम करेगा, क्योंकि कंप्रेसर लाने के लिए हमने डब्बा बनाया है और ये 100% काम करेगा। बस ये हम लोगों का असेंबली हो चुकी है, देखो अब हम मास्टर पंप को लगाते हैं। पंप का कनेक्शन लगा लो, दो वाशर दीजिए अंदर बाहर, अब इसे टाइट कर दो, ठीक है। दोस्तों ये यार निकालने का नाट है 8 mm का, सॉरी 10 mm का, ये ब्लॉक हो जाता है किस कारण से, ये जैसे कि बंद हो गया है। अब इसको हमको क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का यार जो है इसी नाट के मदद से निकाल पाएंगे। अगर ये नाट अगर जाम रहे तो ही बहुत ही दिक्कत होता है। तो चलो हम लोग इसे सफाई वगैरह कर लेते हैं, करने के बाद इसका लाइन जो है एकदम क्लियर हो जाएगा और 100% हम लोग बाइक का कंप्रेसर ला सकेंगे। इस नाट को हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा, तो चलो हम क्लियर कर लेते हैं, करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो हम लोगों का क्लच का तार होता है, इसमें एक वायर भरेंगे तार और इसका जो छेद है, छेद में कुछ कचरा रहता है और कचरे के कारण ये जंप हो जाता है। तो इसे जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, हवा जो है इधर उधर से नहीं जाते हैं, तब तक इसे हम लोग
क्लियर करेंगे। तो मैंने क्लियर कर दिया है और ये नॉट हम लगाएंगे। लगाने के बाद वाइल वगैरह लगा के आप लोगों को ब्रेक का कंप्रेसर ला के दिखाते हैं। ये टाइट हो गया है, अब थोड़ा इसे हम ढीला करेंगे बस। और ये डब्बे वाला का जो हम लोगों का पाइप है, इस पाइप को हम अटैच करेंगे। तो चलो इसको पहले हम लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे काम करना है यहीं पर। थोड़ा तेल दीजिए, पाइप में थोड़ा जाम जा रहा है। इसको हम अटैच कर लिया, ठीक है। अब ये देखो हमारा पूरा डब्बा जैसे कि बन गया, ठीक है, टाइट करने के लिए। तो चलो अब हम ऑयल डालते हैं और यहाँ हम लोगों का जितना भी यार है इसी पाइप की मदद से आ जाएगा। तो चलो हम यार डालते हैं यहाँ। अब यहाँ देखो यार आ रहा है, एकदम डब्बे में जाके भर जाएगा। देखो पूरा यार आ रहा है। चलो ऑयल डालते हैं बस। तो दोस्तों देखो इसमें हवा निकल रहा है और तेज़ी से निकल रहा है, हवा क्लियर नहीं आ रहा है। इसे थोड़ा टाइट कर देता हूँ। इसके अंदर जितना भी तेल है हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर तेल को हम ले लेते हैं, डब्बे में भर लेते हैं। देखो डाल, जैसे कि फाइनल है, हम यहाँ इसको ऑयल हवा निकालेंगे और इसका हवा एकदम पूरा आ चुकी है। अब इसका ब्रेक देखो क्या लाइए, यहाँ पूरा हार्ड हो चुकी है, ठीक है। देखो अब ब्रेक मार के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो एकदम मार के दिखा रहा हूँ। और ये बिल्कुल एकदम हम लोगों का टाइट कर देता हूँ, ठीक है। बस अब इस नाट को हम खोलेंगे और जितना भी हम लोगों का ऑयल है इसमें ऑयल को। तो मैकेनिक दोस्तों, अब पाइप को भी जितना भी तेल था हम डब्बे के अंदर भर दिया है और मेरा तेल भी वेस्ट नहीं हुआ। और थोड़े यहाँ हम लोग मास्टर सिलेंडर में थोड़ा ऑयल देके और ओरिंग देके ढक्कन लगा देंगे। लगाने के बाद इसका कंप्लीट हार्ड ब्रेक हो चुकी है और नाट भी लगा देंगे। ये दोनों स्क्रूप लगा के टाइट कर देंगे। यहाँ का काम पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैकेनिक भाइयों कंप्रेसर लाते हैं। मैंने जिस तरह से किया है ये इस तरह से कंप्रेसर, जैसे कि नया बाइक जब आते हैं तो वहाँ भी इसी तरह से कंप्रेसर लाते हैं, इसी तरह से कंप्रेसर लाते हैं। और देखो ब्रेक हार्ड होते हैं, एकदम झट करके काम करता है। तो बस हो गया है। बाइक में अगर डिस्क ब्रेक का हम लोग कंप्रेसर लाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बता लीजिए और इस डब्बे में लगा के आप लोग यार को निकाल लीजिए दबा दबा के। और हम लोगों का जो ब्रेक ऑयल होता है इस डब्बे के अंदर आ जाता है और ब्रेक ऑयल हम लोगों का वेस्ट भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसर जल्दी आता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ दबाना पड़ता है और ब्रेक ऑयल जितना भी है डब्बे के अंदर आ जाता है। ब्रेक ऑयल हम लोगों का वेस्ट नहीं होता है। एक ब्रेक ऑयल का कीमत है 50-60 रुपया, वो हम लोगों का वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल है कंप्रेसर लाने के लिए और इसी तरह से हम लोग लाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।